कितनी सर्वाधिक बरसात आपको कहां महसूस कीजिए और आने वाले दिनों में क्या स्थिति है? देखिए, पिछले 48 घंटों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो खासकर जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर, कोटा संभाग, साथ ही साथ शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भी भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें बारिश तो पश्चिमी राजस्थान के खाजूवाला बीकानेर में 195 mm यानी अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो ये बारिश का जो आंकड़ा है वो 141 mm सर्वाधिक बारिश है। ये सवाई माधोपुर जिले में मलार डूंगर स्टेशन है। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान के इवन 9 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पे अति भारी बारिश हुई है और 9 ही ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश की कैटेगरी में रेन हुई है। यानी कि ज्यादातर स्थानों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, अधिकांश भागों में रेन हुई है, कहीं भारी है तो कहीं अति भारी बारिश भी रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर अभी जो सिस्टम बना हुआ है या पिछले 2 दिनों से जो जयपुर और आसपास में सिस्टम बना हुआ था, आज वो सिस्टम साउथ वेस्ट यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ा है। अभी भी इस सिस्टम का असर जो है वो अजमेर, नागौर, खासकर जोधपुर संभाग के सभी जिलों में, इसके अलावा जो बीकानेर संभाग के जिले हैं, खासकर बीकानेर, इसके अलावा जो चूरू के आसपास के इलाके हैं, तो इनमें अभी भी अगले 24 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर पाली, इसके अलावा जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इनमें अगले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है आज मौसम विज्ञान केंद्र की जयपुर की ओर से। वहां सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटों तक उन इलाकों में बारिश का दौर रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम फिलहाल झारखंड के ऊपर बना हुआ है, आज बन गया है और अगले ये 24 घंटों में और इंटेंस होगा यानी मोर मार्क्ड होगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पूर्वी भारत से होते हुए यानी मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये 3-4 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा। यानी कि एक और नया बारिश का जो स्पेल है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही शुरू होगा। इसका जो असर है वो 3 अगस्त को साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कई जिलों में शुरू होगा। विशेष जो असर है वो 4 और 5 अगस्त को राजस्थान में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर बनेगा। इस दौरान कोटा संभाग, वहीं जयपुर, अजमेर और जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं यानी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है और कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हो सकती है। यानी कि 200 mm से ज्यादा बारिश 4 अगस्त को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होने के लिए संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से फिर से पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में देखें तो इस जो नया जो सिस्टम सक्रिय होगा इसका असर 3-4 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक यानी कि 3-4 दिनों के लिए फिर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले 5-7 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा, कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।